हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर जिसे बोला जा रहा है नई शिक्षा नीति 2019, जिसका ड्राफ्ट सरकार के बनते ही सरकार के जो मंत्री हैं उनको सौंप दिया गया है, और उसे सौंपते ही पूरे ही के पूरे हिंदुस्तान में, या यूं कहिए बहुत सारे जगह पर, हंगामा टाइप का हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या अभी टीचर बनने में दिक्कत आएगी। एक तरफ जहाँ पर तमिलनाडु में अलग अलग पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है, तो इसी तरह से बहुत सारे बातें उसमें आ रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अभी इसके खिलाफ आंदोलन होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने बोला भी था कि सर बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, इसका जो ड्राफ्ट आया है इसमें ऐसा क्या है या फिर इसमें क्या क्या है, पहले हमें अच्छे से समझाइए, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ मालूम चले। तो सरकार जैसे ही बनी, नई सरकार बनते ही जो मंत्री हैं निशंक, उनको इसका ड्राफ्ट कॉपी दिया गया। अभी बोला तो ये जा रहा है, या फिर मैंने पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकाला है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब किन के लिए फ़ायदे हैं, किन के लिए नुकसान हैं, जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन फ़ायदे में आ रहा है और कौन कौन नुकसान में आ रहा है। तो देखते हैं इसमें जो, वैसे तो ये बहुत बड़ा शायद 150-200 पेज का एक ड्राफ्ट है, तो उसको तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते यहाँ पर वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ मेन पॉइंट हैं जो खास करके आपके यूज के हैं, उनको हम पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको सही से मालूम चल जाएगा। तो इसमें पहला है कि 2022 तक पैरा टीचर्स, शिक्षा मित्र आदि की प्रैक्टिस खत्म करके स्कूलों में स्थायी नियुक्ति होगी। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि 2022 तक जो पैरा टीचर्स हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं, जो संविदा वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया जाएगा, इनके पदों को, और स्कूलों में ओनली जो परमानेंट स्टाफ है वही रहेगा। तो ऐसा कहने के पीछे सरकार की यह मंशा है कि स्कूल में वही लोग रुकने चाहिए, वही टीचर्स होने चाहिए जो लोग लंबे समय तक स्कूल में रहें और लंबे समय तक उसके लिए अपनापन फील करके पढ़ाई कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, एक टेम्परेरी टाइप में ना रहें, यह है सरकार का कहना। और इसमें फ़ायदा किन लोगों का होगा कि अगर ये शिक्षा मित्र या पैरा टीचर्स से हटाए जाएंगे तो वैकेंसी निकलेंगी, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकलने में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नुकसान क्या है कि जो लोग अभी शिक्षा मित्र की जॉब कर रहे हैं, जो पैरा टीचर्स हैं, उनकी जॉब का फिर क्या होगा, तो उनके लिए इसका नुकसान भी है। अगर अगले पॉइंट पर ध्यान दें तो इसमें जो टफनेस क्या लाई गई है, जैसा कि बोला गया है कि अब टफ़ हो जाएगा टीचर बनना, बहुत ही ईजी नहीं रहेगा, जैसे धीरे धीरे टफ़ होता जा रहा है, दिनों दिन आप देख रहे होंगे। तो जैसे कि पहले से ही है ये, तो कि सी टैट और टैट कंपलसरी है, वो सभी को मालूम है, अगर आपको टीचर बनना है तो सी टैट और टैट कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन अभी क्या कर दिया है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी सी टैट या फिर टैट पास ही टीचर रहेंगे, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में अभी आप नहीं रह सकते हैं, वैसे विदाउट टेट पास टीचर नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ नियमों के साथ पारदर्शिता लाई जाएगी, किसमें, एग्ज़ाम प्रोसीजर में। अभी पारदर्शिता से यहाँ पर क्या समझते हैं आप, पारदर्शिता मीन्स होता है कि एकदम से कोई भी मिलावट या फिर कोई भी गड़बड़ी की आशंका बहुत कम होगी। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा तभी हो पाएगा कि दिनों दिन एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो टेट है जिसमें लोगों ने अंदाजे लगाए हैं, कुछ जो जानकार लोग हैं उन्होंने बोला है कि अभी शायद ऐसे नियम भी आ सकते हैं इसके पारदर्शिता के चक्कर में, कि टेट के अभी तक जैसे 5 सेक्शन होते थे, बाल विकास, मैथ, हिंदी यानी कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद SST है किसी के पास, तो किसी के पास इंग्लिश है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको अभी सेक्शन वाइज भी पास होना पड़ सकता है, तब आप ओवरऑल पास माने जाएंगे। अभी तक तो क्या था कि टोटल ओनली आप 55% या 60% मार्क्स लाते थे, पास हो जाते थे टेट, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, हो सकता है टफ़ कर दें, तो इस तरह से टीचर्स की भर्ती होना टफ़ हो जाएगा। टेटों में जो टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें थोड़ी सी टफनेस लाई जाएगी, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग के भी चांस आपके बढ़ सकते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बात चल रही है। तो सी टेट और टेट कंपलसरी हो जाएगा और इनके एग्ज़ाम टफ़ हो जाएंगे, उतना ईजी नहीं होगा पास होना जितना ईजी अभी तक था। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब आप टीचर्स में, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने TT पास कर लिया, अभी जो जैसे भी नए नियम बने, TT पास करने के बाद आपको क्या देना होगा, एक डेमो कम इंटरव्यू, यानी कि आपको इंटरव्यू तो देना ही देना है, इंटरव्यू टाइप का होगा। उसमें कैसा इंटरव्यू होगा कि
कि आपको डेमो देना होगा पढ़ाने का, आप पढ़ा चुके होंगे और पढ़ाने के बाद, और इसके अलावा जो आपका एक ऑफिस होता है वहाँ पर भी आपको जा कर के इंटरव्यू टाइप का देना होता है, और ये सब देने के बाद आपका जो वीडियो होगा जो पढ़ाने वाला वो आपका मंत्रालय जाएगा, और फिर आपको देखा जाएगा कि हाँ आपके कैसी परफॉर्मेंस है, आप कैसा पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में। ऑप्शन नंबर चार है अभी पॉइंट कि शुरुआत का 3 वर्ष का समय होगा प्रोबेशनल काल, यानी कि आप शुरू के 3 साल तक ये समझ लिए कि अंडर मॉनिटर रखे जाएंगे, आपको देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप इन 3 सालों में कैसा कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाने में या नहीं ले रहे, या यूँ कहिए ये उन लोगों के लिए है कि टीचर बनने के बाद लोग एकदम से शांत हो जाते थे, आराम से अपना नौकरी काट रहे थे, लेकिन अभी क्या है आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी है। जैसे आपने TET की एग्ज़ाम्स के समय रखी थी, पढ़ाई की थी, तो उसके बाद उस पढ़ाई को यूज भी करवाएगी सरकार आपको इस पॉइंट के द्वारा, ये समझ लीजिए। तो शुरू के 3 साल आपको कम से कम प्रोबेशनल पीरियड में रखा जाएगा, आपका ये प्रोबेशनल काल होगा। और पॉइंट नंबर 5 में है कि जो लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस होगी स्कूल्स में टीचर बनने के बाद, उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट लिख से हटकर दी जाएगी। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद बात है, जो लोग मेहनती हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात है, अभी तक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी एक तरह से, बस नॉर्मल था, चाहे आप मेहनत करें ना करें बराबर ही पेमेंट था, सब कुछ था, लेकिन अब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट लिख से हटकर दी जाएगी। और एक पॉइंट आता है कि अभी जब आप टीचर बन जाएंगे तो टीचर होने के बाद क्या होगा कि आपको एक ही जगह ज़्यादा दिन तक रोका जाए, इसलिए क्या किया जाएगा आपको कम से कम 7 साल तक ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आप अपने आसपास आ जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, 7 साल तक रुक सकेंगे, और इसके अलावा स्कूल जो दूर के लोग हैं उनको क्वार्टर्स की सुविधा स्कूल के पास ही दी जाएगी। तो ये सब पॉइंट हैं जो कि टीचर्स नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें जो टीचर्स बनेंगे टीचर्स की नियुक्ति के संबंध में ये कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अभी इसको प्रूफ के साथ भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाएं, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा, ठीक है, सख्त और पारदर्शी, यानी कि गड़बड़ी के कम चांसेस हों, इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा और शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा। तो नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग TET से होगी, वर्तमान में जो TET है उसको और सुदृढ़ बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, जिससे कि जो शिक्षक लोग हैं जो उनकी क्षमता और ज्ञान को अधिक सार्थक परीक्षण पर सुनिश्चित हो पाएगा। उसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में, उनका जो एक संबंधित विषय जो मैंने बताया था डेमो कम इंटरव्यू टाइप में, तो जो उनका जो संबंधित विषय है जैसे आपने हिंदी इंग्लिश गणित जो भी लिया उसमें NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें आपका एग्ज़ाम होगा इस तरह से आपको उसमें पास होना है, उनको भी सिलेक्शन प्रोसीजर में जोड़ा जाएगा, NTA परीक्षा होगी उसमें। और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए TET राज्य या फिर केंद्र स्तर पर CET या फिर TET और NTA की परीक्षा को पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। उसके अलावा क्या होगा, इच्छुक शिक्षक हैं उनके लिए दूसरे चरण की स्क्रीनिंग स्थापित की जाएगी, इसमें क्या होगा इंटरव्यू होगा और 5 से 7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा। और दूसरे चरण की स्क्रीनिंग यानी कि चयन प्रक्रिया को स्थानीय BRC में कराया जाएगा, स्थानीय जो BRC होती है वहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, और अगर यह संभव नहीं है तो टेलीफोन के माध्यम से आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और शिक्षण प्रदर्शन का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है, और जो स्थानीय शिक्षक है उनको साथ साथ विविधता सुनिश्चित करना, ये सब भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है जो पैरा टीचर्स हैं इनकी प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाएगा। तो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिख के बता दिए थे, तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या आपको पॉइंट आने हैं। ये पॉइंट्स जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स को बस उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है, तो इसी की वजह से हड़कंप मचा हुआ है कि अब जो TET है पहले जितना आसान नहीं रहा, यानी कि अब शिक्षक बनना उतना आसान नहीं रहा। अभी तक सिर्फ ये ड्राफ्ट है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसे नई शिक्षा नीति आप बोल सकते हो या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बता रहा हूँ
डरने या प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, पढ़ने वाले लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरिट से ज़्यादा नंबर लेके आइए, आपको कोई कहीं पर भी नहीं रोकेगा। आप अपनी प्रैक्टिस पढ़ाने की अच्छी रखिए, क्या कर लेगी सरकार या क्या कर लेगा कोई, क्योंकि आपको तो भर्ती होना ही है, आपको शिक्षक बनना है, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी घबराइए मत, जो शिक्षा नीति आई है उसके बारे में आपको अब जानकारी हो गई। आगे कोई भी ऐसी अपडेट आएगी तो आप मेरे चैनल के माध्यम से ले सकेंगे। आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप ये बताइए आपको इस शिक्षा नीति में क्या फेरबदल चाहिए या फिर कैसी लगी आपको शिक्षा नीति, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।